एक्टर जाने वाली एकता कपूर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आपको बता दें कि एक्टर जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक बहुत नाम कमा चुकी हैं। जी हां, एकता एक सक्सेसफुल डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर है। एकता अपनी माँ शोभा कपूर की लाडली बेटी है। एकता और शोभा कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स की पार्टनर भी हैं। वहीं पिता से आर्थिक मदद मिलने के बाद एकता ने टीवी सीरियल्स का निर्माण शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि एकता कपूर अभी हाल ही में पल्लवी पुरी केस के कारण सुर्खियों में छाई हुई हैं, क्योंकि पल्लवी पुरी जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। वहीं आज एकता कपूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो आपको बता दें कि एकता कपूर कई कलाकार की गॉड मदर कही जाती हैं। जी हाँ, विद्या बालन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत को एकता ने ही ब्रेक दिया है। आज उनके सीरियल में काम कर चुके कई एक्टर और एक्ट्रेसेस नाम कमा चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि टीवी के सबसे महंगे स्टार्स में से एक राम कपूर को भी असली पहचान एकता कपूर के सीरियल से जुड़कर ही मिली थी। एकता अपनी मां शोभा कपूर के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालती हैं। एकता अब तक करीब 40 टीवी सीरियल बना चुकी हैं। साथ ही एकता ने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से बॉलीवुड में कदम रखा था। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया। जी हाँ, तो एकता की अच्छी फिल्मों में शूट आउट एट लोखंडवाला और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और कई सारी फिल्में शामिल है। एकता कपूर अपने भाई एक्टर तुषार को लेकर भी कई फिल्में बना चुकी हैं, लेकिन तुषार से ज़्यादा एकता ने बॉलीवुड में नाम कमाया है। एकता कपूर के शो में कई सारे सीन्स होते हैं जो लोगों को देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एकता कपूर प्रोफेशनल लाइफ में धमाल मचा चुकी हैं, अभी तक कुंवारी हैं। एक बार इस बारे में बात करते हुए एकता ने कहा था कि पापा की एक शर्त की वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की, वरना तो वो 22 साल की उम्र में ही शादी कर घर बसाना चाहती थी। एकता कपूर ने कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मेरे पिता ने कहा कि या तो शादी कर लो या फिर पार्टी करने के बजाय काम करो, जैसा कि मैं चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे पॉकेट मनी के अलावा कुछ और नहीं देंगे, इसीलिए पैसे कमाने के लिए मैंने एक एड एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। एकता कपूर आगे बताती हैं कि जो सिचुएशन थी उसे देखकर मैं बेहतर महसूस कर रही थी और सोचती थी कि मेरा जीवन ठीक ठाक ही रहेगा, 22 की उम्र में शादी करूंगी और ज़िंदगी के मज़े लूंगी। लेकिन दुर्भाग्य से कहें या किस्मत से, हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। मैंने हम 5 नाम से शो के लिए पायलट शूट करने का निर्णय लिया और जी टीवी को बेच दिया। जी हाँ, जब यह ऑन एयर हुआ तब मैं 19 साल की थी। शो हिट हुआ और मेरे सभी रास्ते बदल गए। एकता कपूर साल 2019 में सरोगसी के जरिए माँ बनी थी। एकता कपूर ने अपने पिता के नाम पर बेटे का नाम रवि कपूर रखा। एक खास बात और कहा जाता है कि एकता कपूर के बारे में कि वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में गहरा विश्वास रखती हैं। जी हाँ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें काले कपड़े पहनने की सलाह दी थी, तब से वो हमेशा ही काले कपड़ों में नज़र आती हैं। जी हाँ, ज्योतिषी सुझाव के कारण ही एकता ने ज़्यादातर फिल्मों के नाम क अक्षर से शुरू किए हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।